फिनाले में नेक्स्ट न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। ज्येष्ठ अभिनेता रमेश भाटकर इनका निधन। मुंबई ज्येष्ठ मराठी अभिनेता रमेश भाटकर इनका 4 फरवरी को निधन हुआ। वे 70 साल के थे। कैंसर जैसी भयानक बीमारी से वे ग्रस्त थे। उन्हें मुंबई के एलिजाबेथ हॉस्पिटल में रखा गया था। रमेश भाटकर यह मराठी फिल्म रंगमंच और टीवी अभिनेता थे। आई बाबा ही पहली ट्रॉफी गोल्ड मेडल बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर। अभिनंदन बाळा अभिनंदन। अरे वाह आजचा दिवस खूप चांगला दिसतोय। तुला पारितोषिक मिळालं म्हणून मी सुद्धा तुला एक खुश खबर देणार आहे। आणि मी सुद्धा तुम्हाला एक चांगली बातमी देणार आहे। खुश खबर ठाऊक आहे। तुझी चांगली बातमी म्हणजे ती नाटकाबद्दल असणार। तुला काहीतरी व्यावसायिक नाटक मिळालं किंवा सिनेमावाले तुझ्या मागे धावतायत। पण आता या पुढे हा तुझा विदुषकीपणा चालणार नाही। पण बाबा नो उनकी अनेक फिल्म मराठी फिल्म फेमस हुई है। मुख्यतः पोलिस इंस्पेक्टर कमांडर और हेलो इंस्पेक्टर यह उनकी मराठी सीरियल बहुत ही फेमस हुई है। उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में भूमिका निभाई है। माहिर की साड़ी अष्टविनायक दुनिया करी सलाम यह उनकी मराठी फिल्म काफी फेमस हुई है। अश्रुंची झाली फुले इस नाट्य में उन्होंने 28 साल भूमिका निभाई। फिलहाल वे GTV पर सौभाग्यवती इस सीरियल में काम कर रहे थे। अचानक कल कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। तो देखते रहिए खास खबर। MNS न्यूज लाइव के साथ बने रहिए। MNS न्यूज लाइव की खास खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।